नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। किसी भी तरह के समारोह में बचे खाने की बर्बादी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर करें कॉल। आइए जानते हैं इस वायरल खबर की क्या है सच्चाई। डिजिटल युग के इस जमाने में हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन आपको देखने को मिल जाएगा। सोशल मीडिया के इस जमाने में अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव भी देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें कई तरह की खबरें भी देखने को मिलती हैं, जहां कई बार वे खबर फर्जी और भ्रामक भी हो सकती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन खबरों की जांच पड़ताल के बिना ही हम उन खबरों पर यकीन भी कर बैठते हैं। साथ ही साथ यकीन तो करते ही हैं, दूसरों को भी वे खबरें फॉरवर्ड करते जाते हैं। इन दिनों फिर से एक और खबर वायरल होती नजर आ रही है। व्हाट्सएप पर भी लोग इस मैसेज को धड़ल्ले से शेयर करते नजर आ रहे हैं, जिससे इस बात का दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह के समारोह या कार्यक्रम के दौरान बचे हुए खाने को दान कर सकते हैं, ताकि खाने की बर्बादी भी ना हो और बच्चे भूखे भी ना रहें। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर वायरल हो रहे इस खबर में क्या कहा गया है। दरअसल जब हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो वायरल हो रहे इस खबर की असल जानकारी हमें PIB फैक्ट चेक के माध्यम से मिली, जहाँ वायरल हो रहे इस खबर में लिखा गया था कि खुशखबरी, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुसार आपके घर में कोई समारोह या पार्टी है और बहुत सारा खाना बर्बाद हो रहा है तो कृपया 1098 पर कॉल करें। इस मैसेज में यह भी बताया गया था कि भारत में कहीं भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे उस मैसेज में इस बात की भी चर्चा की गई थी कि चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग आपसे भोजन एकत्र कर लेंगे। कृपया इस संदेश को हर जगह फैलाएं, जिससे कि कई बच्चों को खाने में मदद मिल सकती है। आगे इस मैसेज में यह भी लिखा गया था कि कृपया इस जंजीर को ना तोड़े, मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर हैं। मैसेज के ठीक नीचे यह भी सलाह दी जा रही थी कि हर ग्रुप में इस खबर को शेयर करें। लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी पाया गया। PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक वेबसाइट पर यह साफ शब्दों में कहा गया है कि 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन फोन सेवा है, जो संकट में बच्चों को सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ वहाँ यह भी बताया गया था कि यह सेवा भोजन इकट्ठा या वितरित करने के लिए नहीं है। जिस तरह से इस मैसेज के अंतिम में भावावेश शब्दों का चयन किया गया था, शायद कुछ लोग इसे पढ़कर भावनाओं में बह जाएं और बिना सच की पड़ताल किए ही मैसेज को फॉरवर्ड भी कर दें। लेकिन ध्यान रहे, गलत जानकारी वाले मैसेज या फिर किसी भी प्रकार के फर्जी और भ्रामक मैसेज को शेयर करना ही सबसे बड़ा जुर्म होता है। ऐसा करने से बचें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।